शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए हमारे श्री शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि दिन शुक्रवार को सुंदर नक्षत्र में आ रही है। हम आपको बता दें कि इस दिन बहुत लंबे समय के बाद अश्विनी नक्षत्र पर दशमी तिथि आ रही है, जिसमें परिक योग रहेगा जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान जरूर कर देगा। इसलिए आपने इस विशेष दिन पर तो अवश्य एक उपाय कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं। आप अपनी समस्या हेतु कोई भी एक विशेष उपाय इस दिन अवश्य कर लें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपको माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं, पैसे आपके घर में टिकते ही नहीं हैं, तो आपने अवश्य इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने से आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। आपको धन के नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। इसलिए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को आपने प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 11 चावल के दानों की, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। इसके साथ ही आपको एक चौमुखी दीपक लेना है, जिसमें आपने 4 अलग अलग बत्तियां लगानी है, किंतु लगानी है आपने लाल रंग की मूली की। इसमें आपने देसी घी भर लेना है। अब आपने इस वस्तु से इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपने इन सब वस्तुओं को लेकर पहुंच जाना है तुलसी के पौधे के पास। यदि घर में तुलसी का पौधा ना हो तो घर के आसपास जो मंदिर होगा वहां पर भी जाकर यह उपाय कर सकते हो। सबसे पहले आपने यह जो एक चुटकी हल्दी ली है, आपने थोड़ी सी जमीन पर रख देनी है, और उसके बाद यह जो बाकी बची हुई हल्दी होगी, आपने इसी में इन चावल के दानों को डालकर इन चावल के दानों को आपने पूरी तरह से पीला कर लेना है। अब इन हल्दी मिले चावल के दानों को आपने तुलसी के पेड़ की जड़ में रख देना है, और वहाँ पर इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपने जाप कर देना है। उसके बाद आपके पास जो यह दीपक होगा, आपने इसको प्रज्वलित कर देना है, और ये ज़मीन पर आपने जहाँ पर यह चुटकी हल्दी बिछाई है, आपने उसी के ऊपर ही आपने इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और वहाँ पर आपने महालक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का आपने जाप कर देना है। आप चाहो तो ओम श्रीम नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप यह भी कर सकते हो कि यदि आपका जो पौधा है गमले में नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट ज़मीन पे लगा हुआ है, तो आपने यह जो हल्दी मिले चावल के दाने हैं आपने ज़मीन पर रख देने हैं, और आपने यह दीपक भी इसी के ऊपर ही प्रज्वलित कर देना है। आपको अलग से हल्दी कहीं पर भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने यह हल्दी मिले चावल ही ज़मीन पर रख देने हैं, और इसी के ऊपर ही दीपक प्रज्वलित कर देना है। किंतु जब आपने दीपक प्रज्वलित करना है, तब आपने महालक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करना है, और जब आपने चावल और हल्दी को मिलाकर जड़ के पास में या ज़मीन पर रखना है, तब आपने इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपने जाप करना है। केवल इतना मात्र करने से धन की लक्ष्मी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। हर तरह से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, और आपके घर में बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है। यह एक रामबाण उपाय है और शिव पुराण का उपाय है, इसलिए अवश्य धन प्राप्ति के लिए जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय मस्तुभ्याम लिखना ना भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। श्री शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।